खेतवा में सरसों फुला रहल बा। सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम वीरू, मैं बताने वाला हूँ कि बींग इमेज क्रिएटर ऐप कैसे यूज किया जाता है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि हमारी आने वाली सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो बेल आइकन पे प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि आसानी से हमारे सभी नोटिफिकेशन और वीडियोज आपको मिलती रहे, ठीक है। तो हम बताते हैं कि बींग ऐप जो है आपको डाउनलोड कर लेना है, प्ले स्टोर से आसानी से डाउनलोड हो जाएगा और ये बिल्कुल फ्री है। इसमें आप कोई भी प्रॉम्प्ट यूज करके आसानी से बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग अपनी फोटो को एआई से, ठीक है। तो इसमें जो मैं प्रॉम्प्ट यूज करने वाला मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो इसको स्टेप बाय स्टेप पूरा फॉलो कीजिएगा, इसकी बिल्कुल भी मत कीजिएगा। तो इसमें मैं बताने वाला हूँ कि जो एक लड़का है वो सरसों की कटाई कर रहा है अपने खेत में, ठीक है। अपने सरसों जो है वो काटने गया है, तो इसको कैसे अपने आप प्रॉम्प्ट के माध्यम से दर्शा सकते हैं, ठीक है। तो इसकी बिल्कुल भी मत कीजिएगा, चलते हैं फटाफट बताते हैं कि इसको कैसे बनाया जाता है। सो लेट्स स्टार्ट। सो दोस्तों, आगे अपने मोबाइल स्क्रीन पर सबसे पहले चलते हैं अपने बींग ऐप में। बींग ऐप में आने के बाद हमारे पास कुछ इस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा, हमको इमेज क्रिएटर पे क्लिक कर देना है। इमेज क्रिएटर पे क्लिक करने के बाद हमारे पास जो पेज आ गया है इस पे हम क्लिक कर जो हमने पहले से ही प्रॉम्प्ट कॉपी किया है वो यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद हमको क्रिएट पे क्लिक कर देना है। क्रिएट पे क्लिक करने के बाद हमारे पास जो हमने प्रॉम्प्ट यूज़ किया है कुछ ही सेकेंड में हमारी फ़ोटो जनरेट होकर आ जाएगी। जो इसमें मैंने डिस्क्रिप्शन प्रॉम्प्ट यूज़ किया है उसको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। उसको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। डिस्क्रिप्शन में डालने के बाद ये देखिए कुछ ऐसा आया है हमारा फ़ोटो, तो उसको हम क्या करेंगे डाउनलोड कर लेंगे। ये देखिए इसको भी डाउनलोड कर लेंगे और ये जो है ये बेहतरीन सा आया हुआ है, इसको डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। इस तरीके से जो जो हमको फ़ोटो डाउनलोड करनी है उसको हम डाउनलोड कर लेंगे। तो अभी फ़िलहाल कुछ इस तरीके से फ़ोटो है, तो इसमें हम अगर और भी क्रिएट पर क्लिक करेंगे तो और भी आ जाएगी फ़ोटो, ठीक है। फ़िलहाल के लिए यही सही है, इतनी ही फ़ोटो अभी हम रहने देते हैं। तो आप भी बनाना चाहते हैं तो अपने नाम का बना सकते हैं। यहाँ पे जो मेरा नेम है यहाँ पे आपको अपना नेम चेंज कर देना है, ठीक है। यहाँ पे आपको अपना नेम लिख देना है। तो यहाँ पे अपना नेम लिखने के बाद इसके बाद इसमें कुछ करना नहीं है, बस क्रिएट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। क्रिएट पे क्लिक कर देंगे आपके नेम का भी बन जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे मान लीजिए लिख दिया अभी आदर्श, ठीक है, इस तरीके से लिख दिया। यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करेंगे। क्रिएट पे क्लिक करने के बाद अभी कुछ टाइम में हमारे पास फ़ोटो जनरेट होके आ जाएगी, ठीक है। तो आप भी इसी तरह रीनेम करके या फिर वहाँ पे एडिट करके अपने नेम को लिख सकते हैं। लिखने के बाद इसी तरह से आप पेस्ट कर दीजिएगा इसमें और उसके बाद क्रिएट पे क्लिक कर दीजिएगा, तो आपकी फ़ोटो इस तरीके से बन के आ जाएगी, ठीक है। इसमें से जो भी पसंद आता है आपको उसको डाउनलोड कर लेंगे। इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं यहाँ पर। हर फोटो परफेक्ट बन के नहीं आती है, लेकिन जो भी परफेक्ट बन के आती है उसको हम डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। इसको भी डाउनलोड कर लेंगे। उसके बाद इसमें से ये इस पर क्लिक करेंगे, इसको डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। इसी तरीके से आप भी अपने नेम का बना सकते हैं। सो दोस्तों, हमारी आज की वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे और सब्सक्राइब कर दे। इसी तरीके की और भी मेरी वीडियो आती रहेंगी और मेरे चैनल पे पहले से भी आई हुई है, ठीक है। तो अगर आप किसी भी वीडियो के ऊपर इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दे ताकि उसके ऊपर इन्फॉर्मेशन बनाकर हम आप तक पहुँचा सकें। और इसी तरह आप अपना साथ देते रहिए और हम इसी तरह सपोर्ट करते रहिए और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।